जर्नलिस्ट ने वहां पर पूछा, गौतम गंभीर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे इस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले टेस्ट से पहले, ये पूछा था कि जैसा हमने बांग्लादेश में देखा कि आप तीन पेसर्स के साथ जा रहे थे, दो स्पिनर्स के साथ जा रहे थे, तो हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या हम उसी रणनीति पर जाएंगे? तो गौतम गंभीर, क्योंकि देखो अब 16 तारीख को ये टेस्ट मैच है, 14 तारीख को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, गौतम गंभीर ने कहा कि कल यानी कि 15 अक्टूबर को मैं खुद और रोहित शर्मा जो टीम इंडिया के कप्तान है, हम पिच देखेंगे, पिच को अच्छे से एनालाइज करेंगे, वहां पर देखेंगे पिच किस तरीके की है, कंडीशंस किस तरीके की हैं, उसके बाद ही हम कॉम्बिनेशन टीम का डिसाइड करने वाले हैं कि हम कितने पेसर्स कितने स्पिनर्स लेकर जाएंगे, प्लेइंग 11 कैसी होने वाली है और किस तरीके का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। और इस बात के साथ ही उन्होंने ये चीज़ जो है ऐड की थी कि हम काफ़ी ज़्यादा लकी हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारा जो यंग टैलेंट है वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ रहा है हमारे पास, चाहे आप ड्रेसिंग रूम में देख लीजिए, जो हमारा कैंप है, जो हमारा पूल है, जो हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में प्लेयर्स हैं, वो सारे के सारे इतने अच्छे प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं या टीम इंडिया के साथ अभी जुड़े हुए हैं, जिन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल रहा, तो सबकी उन्होंने तारीफ भी की, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आदर्श पत्ते खोलने से बचते हुए नजर आए गौतम गंभीर। प्लेइंग 11 को लेकर या पिच को लेकर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि कल जाएंगे पिच देखेंगे रोहित शर्मा और मैं, और उसके बाद जो है कॉम्बिनेशन डिसाइड करेंगे कि किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना है। तो ये बयान कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है कि अभी ज्यादा फिलहाल सोच नहीं रहा।